हेलो बच्चों, आज हम एजुसेट टेलीकास्ट के माध्यम से क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 7 जिसका नाम है द ओपन विंडो। और ये लेसन जो है ये हमारे इंग्लिश टेक्स्ट बुक इट्स सो हैपेंड से लिया गया है, जो सप्लीमेंट्री बुक है। लेसन का टाइटल है द ओपन विंडो और इसके राइटर हैं, इसको लिखने वाले लेखक का नाम है H.H. मुंड्रो और जिनका पेन नेम है, पेन नेम का मतलब होता है जिनका कोई दूसरा नाम होता है, जिन्हें दूसरे नाम से भी जानते हैं, और इनका पेन नेम क्या है, साकी। ठीक है, अब पहले थोड़ा सा राइटर के बारे में, H.H. मुंड्रो के बारे में जानते हैं कि वो किस तरह के लेखक थे, क्या उनके कहानियों के अंदर हमारे को देखने को पढ़ने को मिलता है। H.H. मुंड्रो जो है, he was a British writer, एक ब्रिटिश राइटर थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर, और इन्होंने बहुत सारे जो हैं वो छोटी छोटी कहानियां लिखी हैं। क्या लिखी हैं? शॉर्ट स्टोरी राइटर, ब्लेंड ऑफ सटायर। इनकी जो कहानियां हैं उनमें हमें क्या देखने को मिलता है, सटायर है, आयरनी है, क्लेवर डायलॉग है, मिस्ट्री है, हॉरर है, बहुत सारी चीजें, कहीं पे ये व्यंग कर रहे हैं, कहीं पे इनके जो डायलॉग्स हैं वो बहुत ही क्लेवर, बहुत ही अच्छे, मतलब आपको उनमें उनको पढ़कर आनंद आएगा, मजा आएगा। मिस्ट्री है, इनकी कहानियों में रहस्य मिलता है, और सबसे बड़ी बात क्या है, हॉरर भी है, डर भी लगता है कि हाँ, कई बार ऐसा सस्पेंस बनता है कि हमारे को लगेगा कि हम अब आगे क्या होगा। मिस्ट्री है, डर है, क्लेवर डायलॉग है, ये इनकी एक विशेषता है जो इन्होंने कहानियां लिखी उसके अंदर। अब आइए जानते हैं द ओपन विंडो जो हमारी स्टोरी है, जो लेसन है, उस लेसन के अंदर हमारे मुख्य कैरेक्टर्स, पात्र कौन कौन से हैं जिनके ऊपर एक पूरी कहानी जो है बनाई गई है। कहानी के अंदर हमारे कैरेक्टर हैं, सबसे पहले नंबर पे जिनका नाम है मिस्टर फ्रेम्पटन नटल। मिस्टर फ्रेम्पटन नटल हैं, मिस्टर फ्रेम्पटन सिस्टर हैं इस कहानी के अंदर, मिस्टर सेपल्टन हैं, मिसेस सेपल्टन हैं, रोनी मिसेस सेपल्टन्स यंगर ब्रदर, वेरा मिसेस पेल्टन्स नीस, ये इस कहानी के अंदर जो हैं कैरेक्टर्स हैं। किसी कैरेक्टर का बहुत मेजर रोल है, बहुत बड़ा रोल है, कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जैसे रोनी है, इसका बहुत छोटा सा रोल है, बीच में इसका नाम आता है। कहानी की हम थीम लेते हैं द ओपन विंडो। बच्चों ये बताइए कि ओपन विंडो के नाम से आपके दिमाग में अचानक से क्या विचार आता है? जैसे ही हम ओपन विंडो बोलते हैं तो आपको लगता है इसका मतलब है खुली खिड़की। विंडो मीन्स खिड़की और ओपन मीन्स खुली, कि वो खिड़की जो खुली हुई है। उस ओपन विंडो कहानी की जो थीम है, उस थीम के बारे में हम जानते हैं कि इस कहानी के अंदर क्या मेजर थीम है, क्या इसके अंदर जो है हमारे को मेजर आइडियाज जो है, मुख्य जो है हमारे को इसके बारे में क्या पता चलता है। तो इट इज अ रिमार्केबली शॉर्ट पीस ऑफ फिक्शन है। फिक्शन का मतलब होता है बेटा, जैसे फिक्शन होता है काल्पनिक, एक काल्पनिक कहानी है ये। द ओपन विंडो एक्सप्लोर्स अ नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट थीम्स, बहुत सारी कहानियां हैं। मान लीजिए मैं आप या क्लास में टीचर आपसे पूछते हैं कि ओपन विंडो, तो बहुत हो सकता है वो खुली हवा के लिए हो सकता है वहां पे गर्मी ज्यादा हो, कुछ और उसके सस्पेंस और थीम हो सकती हैं। बट इस कहानी के अंदर जो है एक सस्पेंस वाली थीम है। मिस्टर नटल कम्स टू द कंट्री इन एन अटेम्प्ट टू क्योर हिज नर्वस कंडीशन। जैसे कि अभी मैंने ऊपर कैरेक्टर के बारे में बताया था कि मिस्टर नटल जो है इस कहानी के अंदर एक मेजर रोल के अंदर है, मुख्य कैरेक्टर है वो, और वो
आते हैं कंट्री के अंदर, कंट्री साइड के विलेज के अंदर, क्यों आते हैं? टू क्योर हिज नर्वस कंडीशन, क्योंकि उनके जो नर्वस कंडीशन, नर्वस का मतलब होता है दिमागी, उनको हो सकता है कोई प्रॉब्लम थी और वो उस अपनी बीमारी को, उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, क्योर मीन्स ठीक करने के लिए, वो विलेज में आते हैं। He pays a visit to the home of Mrs. Sappleton. और वो किसके घर जाते हैं? Mrs. Sappleton, जिसका कैरेक्टर अभी हमने ऊपर नाम पढ़ा, उनके घर वो जाते हैं। In order to introduce himself, वहां उसके Mrs. Sappleton के घर जाते हैं और अपने आप को परिचय देते हैं, अपना परिचय वहां देते हैं। And before he gets to meet the matron of the house, he is intercepted by her niece. और उसकी niece जो है, Mrs. Sappleton के जो niece है, वो उससे मिल जाती है, वो उनके सामने आती है, who regales him with an artful piece of fiction. और क्योंकि वो, हमने कहा ना, इनकी कहानी के अंदर क्लेवर डायलॉग्स होते हैं, मिस्ट्री है, हॉरर है, और वो नीस जो है वो बहुत ही आर्टफुल वे के अंदर जो है, बहुत ही क्लेवरली, बहुत ही कला के साथ जो है उनके साथ वो डायलॉग करती है, एक सस्पेंस बनाती है। इन द एंड ओनली मेक्स हिज नर्वस कंडीशन वर्स, और वो इतना आर्टफुली उनके साथ कन्वर्सेशन करती है, उनको एक इतना सस्पेंस बताती है कि मिस्टर नटल जो अपना नर्वस कंडीशन ठीक करने के लिए वहां पे आते हैं विलेज साइड के अंदर, उनकी वो कंडीशन क्या हो जाती है? वर्स हो जाती है, और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तो ये एक थीम, एक मेजर आइडिया जो ओपन विंडो के अंदर बताया गया है। अब हम टेक्स्ट के ऊपर आते हैं, इस ओपन विंडो चैप्टर को हम पढ़ते हैं। फ्रिम्पटन नटल हैज बैड नर्व्स, पार्ट वन के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है वो फ्रिम्पटन नटल के बारे में है, कि फ्रिम्पटन नटल जो मुख्य कैरेक्टर हैं, उनको कुछ नर्व्स की, कुछ दिमागी परेशानी है, समस्या है। He retires to the country for cure and calls on a family friend, और वो अपने एक फैमिली फ्रेंड से मिलने के लिए जो है जाते हैं। The lady being busy upstairs, और जिनसे वो मिलने जाते हैं वो लेडी जो है बिजी है ऊपर, हर यंग नीस, और उनकी नीस जो है रेफर्स टू आवर फैमिली मिस है विद फोकस ऑन द ओपन विंडो, और वो नीस जो है उस ओपन विंडो जिसके ऊपर ये पूरी कहानी बिल्स है, उसका मिस है उसके बारे में बताती है कि कैसे एक दुर्घटना, एक घटना जो है इसके ऊपर घटित हुई, उसके बारे में बताती है। My aunt will be down presently, Mr. Nuttall said, a very self-possessed young lady of 15. Young lady of 15 यहाँ पे नीज के लिए है कि वो लड़की, वो नीज जो 15 साल की है, वो बहुत ही self-possessed है, अपने आप में, मतलब ज्यादा बोलती नहीं है, और वो क्या कहती है, My aunt will be down presently, कि मेरी aunt जो है वो थोड़ी ही देर में नीचे आ जाएंगी, क्योंकि ऊपर बताया है ना कि उनकी आंट ऊपर बिजी हैं, अपस्टेयर्स हैं, ऊपर हैं, अभी वो बिजी हैं। इन द मेन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट, कहते हैं इन बिटवीन क्या करते हैं, यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विद मी, कि हम बात कर लेते हैं और समय भी बीत जाएगा। फ्रिम्पटन नटल एंडेवर्ड टू से समथिंग विच शुड ड्यूली फ्लैटर द नीज ऑफ द मोमेंट विदाउट अनड्यूली डिस्काउंटेड The aunt that was to come. तो फ्रिम्पटन नटल जो है वो एंडेवर्ड करते हैं, कोशिश करते हैं टू से समथिंग, किस लिए? ड्यूली फ्लैटर द नीस, उस नीचे हम वर्ड मीनिंग भी देखेंगे तो वहां पे लिखा है उस नीस के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं और उसे बातचीत जो है वो करने शुरू करते हैं, तब तक उनकी आंटी आती है। Privately he doubted more than ever whether These formal visits of a succession of total strangers would do much towards helping the nerve. जबकि मिस्टर नटल क्या सोच रहे हैं? He यहाँ पे नटल के लिए है। मिस्टर नटल doubted है, उन्हें शक है, संदेह है। किस बारे में? कि इनके जो formal visit है, जिनसे ये मिलने आए हैं, जो उनके लिए total stranger है, मतलब total उनके लिए क्या है?
अजनबी है उनके लिए वो, तो उस अजनबी से जो वो मिलने आए हैं, डू मच टूवर्ड्स हेल्पिंग द नर्व, क्या उससे हेल्पिंग होगी, उनको मदद मिलेगी उनके नर्वस सिस्टम को ठीक होने में, दैट ही वाज सपोज टू बी अंडरगोइंग। जैसा कि वो सोच कर आए थे कि मैं विलेज साइड में गांव में जाऊंगा और वहां पे कुछ लोगों से मिलूंगा और मेरा नर्वस सिस्टम जो है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उनके मन के अंदर संदेह बना हुआ है अभी। आई नो हाउ इट विल बी। हिज सिस्टर हैड सेड, उसकी सिस्टर मिस्टर फ्रेम्पटन नटल की जो सिस्टर है, he was preparing to migrate to his rural retreat. जब मिस्टर फ्रेम्पटन नटल जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे, तैयार कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे टू माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब होता है कि वहां पे जाने का, वहां पे रहने का, शिफ्ट होने का, कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन के लिए जब वो गांव की तरफ जाने की सोच रहे थे, गांव में जाने की सोच रहे थे, तो उनकी सिस्टर ने क्या कहा, यू विल बरी योर सेल्फ डाउन देयर। कहते आप, उसके सिस्टर क्या सजेशन देती है, क्या कहती है कि यदि तुम वहां पे जाओगे, यू विल बरी योर सेल्फ डाउन देयर एंड नोट स्पीक टू अ लिविंग सोल। अननोन प्लेस पे जा रहे हो, कोई तुम्हें वहां जानता नहीं है, तुम वहां किससे बात करोगे, and you're nervous and your nerves will be worse than ever from moping. और कहते तुम्हारे जो नर्वस सिस्टम है वो और भी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, और भी ज्यादा उसमें परेशानी हो जाएगी, ऐसा उसके सिस्टर उसको बताती है। आई शैल जस्ट गिव यू लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शंस टू ऑल द पीपल। सिस्टर उनकी क्या कहती है, मिस्टर फ्रेम्पटन नटल की सिस्टर, कि मैं तुम्हें कुछ लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन देती हूँ, कुछ व्यक्तियों के नाम देती हूँ जिनको वहां पे वो जानती थी। सम ऑफ देम एज फार एज आई रिमेम्बर वर क्वाइट नाइस, कि कुछ अच्छे लोगों को वो जानती थी। और फ्रेम्पटन नटल की सिस्टर जो है एक लिस्ट बनाकर देती है, और उस लिस्ट के अंदर जो है मिसेस सेपल्टन का भी नाम होता है। तो इस पेज के अंदर हमने क्या पढ़ा है अभी, इस पेज में हमने अभी ये पढ़ा कि मिस्टर फ्रेम्पटन नटल जो हैं, वो अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए मिसेस सेपल्टन के घर आते हैं मिलने के लिए, और वहां पे उनको उनकी नीस मिलती है मिसेस सेपल्टन की, और उसके साथ वो अपनी बातचीत को शुरू करते हैं। नेक्स्ट पेज लेते हैं अब। Frampton wondered whether Mrs. Sepleton, the lady to whom he was presenting, Frampton Nuttall क्या सोच रहे हैं, देखिए कि जिस लेडी से वो मिलने आए हैं जिनका नाम Mrs. Sepleton है, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन जिसको जिसका पूरा जो है पता उनकी बहन ने लिख कर दिया है, came into the nice division, क्या उनका जो है यहाँ पे आना वो अच्छा रहा है, वो ऐसा सोच रहे हैं, अभी उनको संदेह है। डू यू नो मैनी ऑफ दिस पीपल राउंड हियर, आस्क द नीस। वो लड़की फिर पूछती है कि यहाँ पे आप कितने लोगों को जानते हो, हाउ मैनी पीपल यू नो। व्हेन शी जज दैट दे हैड गॉन, दे हैड हैड सफिशिएंट साइलेंट कम्युनियन। काफी जब उनकी बातचीत हो जाती है तो वो पूछती है कि आप यहाँ पे कितने लोगों को जानते हो। फ्रेम्पटन नटल क्या कहते हैं, हार्डली अ सोल, बहुत कम लोगों को जानता हूं मैं, एक दो व्यक्ति होंगे। माई सिस्टर वाज स्टेइंग हियर, कहते हैं मेरी सिस्टर यहाँ पे रहती थी, सम 4 years ago, इतने साल पहले, 4 साल पहले, शी गेव मी द लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हियर। और कहते हैं मेरी सिस्टर ने ही लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन जो है, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन का मतलब अगेन कि कुछ व्यक्तियों के नाम की लिस्ट बनाकर दी थी, जिनमें से एक नाम मिसेस सेपल्टन का भी है। He made the last statement in a tone of distinct regret. ये लास्ट वाला जो लाइन वो बोलता है ना मिस्टर सेपल्टन की, मेरी सिस्टर ने एक लिस्ट बना के दी और हार्डली मैं बहुत कम लोगों को जानता हूँ, तो थोड़ा सा वो डिस्टिंक्ट में थे, थोड़ा सा उदास मन से वो पश्चात आपके टोन में बोलते हैं। Then you know practically nothing about my aunt,
सेल्फ पोजेस यंग लेडी क्या कहती है, कहती है कि यंग लेडी यहाँ पे अगेन उस नेस के लिए यूज हुआ है, कहती कि वो पूछती है, वो लड़की क्या पूछती है, कहते तब तो तुम प्रैक्टिकली मेरी आंट के बारे में नथिंग मतलब कुछ भी नहीं जानते हो, ओनली हर नेम एंड एड्रेस एडमिटेड द कॉलर, कॉलर हियर मींस मिस्टर सेपल्टन। क्या कहते हैं मिस्टर सेपल्टन कि ओनली हर नेम, मैं केवल नाम और उनका पता जानता हूँ। He was wondering whether Mrs. Sepperton was in the married or widowed state. Mr. Sepperton को माफ कीजिएगा, Frampton Nuttall को, he was wondering, he यहाँ पे Frampton Nuttall के लिए है। अभी उन्हें ये भी नहीं पता कि Mrs. Sepperton जो है वो married हैं, शादीशुदा हैं, या widowed state, या वो एक विडोड मतलब विधवा की कंडीशन में है या शादीशुदा है, अभी उनको कुछ भी नहीं पता है मिसेस सेपल्टन के बारे में। एंड अनडिफाइनेबल समथिंग अबाउट द रूम सेम टू सजेस्ट मैस्कुलिन हैबिटेशन, लेकिन उस रूम के अंदर जो है वो ऐसा सीम मीन्स प्रतीत हो रहा है, ऐसा सजेस्ट, ऐसा उन्हें लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मैस्कुलिन मतलब जो पुरुष वाला जो कुछ एनवायरमेंट भी उन्हें वहां पे दिखता है, जो जो है आदमी जो वस्तुएं यूज करते हैं कुछ इस तरह की वहां पे चीजें उन्हें दिखाई देती हैं, जिससे मिस्टर नटल जो है अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ पे कोई व्यक्ति भी रहता है। हर ग्रेट ट्रेजेडी हैपेंड जस्ट 3 years ago, said the child. अब देखिए वो चाइल्ड अब यहाँ पे अगेन नीस के लिए है, कहते हैं कि मेरी आंटी के साथ जो है ना एक ट्रेजेडी हो गई, ट्रेजेडी का मतलब दुर्घटना, कितने साल पहले, 3 years ago, 3 साल पहले, 3 साल पहले एक घटना हुई, that would be since your sister times, और वो घटना कब की है, आपके सिस्टर के टाइम की है। हर ट्रेजेडी, ask Frampton, Frampton Nuttall को बड़ी उत्सुकता है, उन्होंने पूछा ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का मतलब दुर्घटना, उनके साथ क्या दुर्घटना हुई। Somehow in this restful country spot, tragedy seems out of place. ये restful country का मतलब ये कि विलेज जो है वो हमारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे लोग बड़े शांति से बड़े प्यार से रहते हैं, और कहते हैं वहां पे भी ट्रेजेडी होना, तो मिस्टर फ्रैम्पटन को थोड़ी हैरानी होती है। यू मे वंडर वाई वी कीप दिस विंडो वाइड ओपन। देखिए जब हमने शुरू में साकी के स्टाइल के बारे में जाना था, उनके कुछ मैंने विशेषताएं बताई थी, उन्होंने सस्पेंस भी बनाने की कोशिश की, उनके कहानी में हॉरर है, उनके कहानी में मिस्ट्री है। अब वो लड़की क्या कहती है, यू मे वंडर व्हाई वी कीप दिस विंडो वाइड ओपन ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून, ये अक्टूबर का महीना है और आपको हैरानी होगी कि हमने ये विंडो जो है, ये विंडो, ये खिड़की खुली क्यों रहती है। Said the nurse, indicating a large French window, एक बड़ी सी विंडो की तरफ इशारा करते हुए, और वो विंडो कहाँ खुलती है, एक लॉन की तरफ, एक बाहर बहुत बड़ा बगीचा होगा उसके सामने वो खुलती है। It is quite warm for the time of the year, said Frampton. Frampton कहते हैं हाँ काफी गर्म है इस समय, but has that window got anything to do with that tragedy? Frampton पूछते हैं कि बट इस विंडो का ट्रेजेडी के साथ क्या संबंध है, कैसे मतलब उन्हें समझ नहीं आता है। आउट थ्रू दैट विंडो 3 years ago टू आ डे, कहते आज के दिन, एक दिन जो है 3 साल पहले, हर हस्बैंड, हर टू यंग ब्रदर्स, मिसेस सेपल्टन के हस्बैंड और उनके मिसेस सेपल्टन के दो भाई जो हैं, वेंट ऑफ फॉर देयर डेज शूटिंग, उन्हें शूटिंग करने का, शिकार करने का शौक था और वो एक दिन शिकार पर चले गए, दे नेवर केम बैक, और वो कभी लौट कर नहीं आए। इन क्रॉसिंग द मूर टू देयर फेवरेट शूटिंग ग्राउंड, दे वर ऑल थ्री एनगल्फ्ड, और वो कह रहे हैं कि जब
वो शूटिंग कर रहे थे और वापस आ रहे होंगे, तो क्या होता है, देवर एनगल्फ वो फंस जाते हैं दैट ट्रेचरस पीस ऑफ बॉग, एक कीचड़ दलदल सा होता है और उसके अंदर वो धस जाते हैं, उसके अंदर वो फंस जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर, समर का टाइम था, काफी गीला था, यू नो द प्लेसेस दैट वर सेफ इन अदर ईयर्स और गिव वे सडनली विदाउट वार्निंग। कोई बहुत सेफ सा वो प्लेस मान के चल रहे थे, ऊपर घास वास था और अचानक से कीचड़ के अंदर जो है वो पैर धस जाता है। देयर बॉडीज वर नेवर रिकवर्ड, और सबसे बड़ी सस्पेंस देखिए लड़की क्या बनाती है और कहती है आज तक उनकी बॉडीज जो हैं, उनका शरीर भी वो आज तक नहीं मिले हैं, उनको खोज नहीं पाए हैं। दैट वाज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट, कहते ये देखो ये मतलब इतना भयानक इतना डरावना है कि आज तक उनकी डेड बॉडी नहीं मिली है। Here the child voice lost itself, possessed not and became flutteringly. नीचे देखिए आप वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, ह्यूमन। और अचानक से क्या होती है, वो लेडी की जो जो यंग लेडी है 15 ईयर्स की, जिसके लिए चाइल्ड भी यूज हुआ है, वो 15 साल की लड़की जो है वो सेल्फ पोजेस्ड, जो बहुत अपने आप के अंदर ही रहती थी, अचानक से जो है उसकी वॉइस के अंदर जो है थोड़ा सा तेजी सी आती है, मतलब उसकी वॉइस के अंदर थोड़ा सा उसकी वॉइस भी कांपने लगती है और वो भी डरावनी सी महसूस करती है। पुअर आंट ऑलवेज थिंक्स दैट दे विल कम बैक, और आंटी ये सोचती हैं कि बेचारी मेरी आंटी हैं, उनका ये सोचना है ये मानना है कि वो विल कम बैक, मीन्स एक दिन वो वापिस आएंगे। एंड द लिटिल ब्राउन स्पैनियल, स्पैनियल यहाँ पे डॉग के लिए है, उनका डॉग का नाम है, दैट वॉज लॉस्ट विद देम, कहते वो भी उनके साथ था, वो भी साथ में गया था, एंड वॉक इन इट दैट विंडो जस्ट दे वर यूज्ड टू डू, इस विंडो से ही वो जाते थे। That is why the window is kept open every evening till it's quite dusk. कहते हो जब तक शाम नहीं हो जाती, dusk अंधेरा नहीं हो जाता, आपको पता है जब सूर्य अस्त होने को होता है तो अंधेरा सो जाता है, और इवनिंग तक कहते ये आंटी जो है ना मेरी इस खिड़की को खुला रखते हैं और इस उम्मीद में कि एक दिन वो जरूर आएंगे। Dear poor aunt, she has often told me how they went out. कि वो कैसे गए थे बताती है। हर हस्बैंड विद हिज वाइट वाटर प्रूफ कोट, कहते उनके हस्बैंड जो है वो वाटर प्रूफ कोट जो है वो लेकर गए, ओवर हिज आर्म्स, अपने कंधों के ऊपर अपने बाजू के ऊपर टका के वो ले जाते हैं। रोनी हर यंगेस्ट ब्रदर, मिसेस सेपल्टन का भाई जिसका नाम क्या है रोनी, वो जो है साथ में है, यंगेस्ट उसका छोटा भाई है मिसेस सेपल्टन का, सिंगिंग, और वो गाना गाते हुए जाता है, और हर यंगेस्ट ब्रदर सिंगिंग बेटी व्हाई डू यू बाउंड, ये गाना है व्हाई डू यू बाउंड, व्हाई डू यू बाउंड, वो उसको छेड़ते हुए, एंड ही ऑलवेज डिड टू टीज हर, और उसका जो छोटा भाई रोनी है वो हमेशा मिसेस सेपल्टन को टीज करता रहता था, परेशान करता, मतलब इस तरह से गाना गाता था, बिकॉज शी सेड इट गॉट ऑन हर नर्व्स, और कहते इन सब का ना मेरे आंट के दिमाग के ऊपर बहुत असर पड़ा है, और इसलिए वो डू यू नो समटाइम्स ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग लाइक दिस आई ऑलमोस्ट गेट अ क्रीपी फीलिंग दैट दे विल ऑल वॉक इन थ्रू दैट विंडो, और कहते मेरी आंट जो है वो हमेशा ये सोचती है कि उनके हस्बैंड और भाई जो शूटिंग के लिए गए थे वो वापस इसी विंडो से लौट कर आएंगे, इसलिए विंडो जो है खुला रहता है। देखिए ये जो इमेज आप देखिए इसमें मिस्टर नटल है, थोड़ा सा हम इसको नीचे लेते हैं, मिस्टर नटल हैं और वो यंग लेडी 15 ईयर्स की और मिस जो है वो यहाँ पे बैठे हैं, वो दोनों आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और वो सारी जो स्टोरी है मिसेस एपल्टन के बारे में वो एक मिस्ट्री के रूप में बताती है।
और देखिए कहानी जो है इसके अंदर हमें अभी तक ये देखने को ये समझने को मिला है कि वो छोटी सी लड़की जो है 15 साल की, वो किस तरह से मिस्ट्री, हॉरर और सस्पेंस जो है वो क्रिएट करती है। और फ्रैम्पटन नर्डल जो है वो काफी डरे हुए रहते हैं, उनको डर है कि क्या वो बीमारी जिसके लिए वो ठीक करवाने के लिए आए वो ठीक हो जाएगी या और भी ज्यादा उनके लिए परेशानी हो जाएगी। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर लेते हैं, कॉम्प्रिहेंशन लेते हैं। देखिए लास्ट में कॉम्प्रिहेंशन है ना, क्वेश्चन लेते हैं। व्हाई हैड फ्रैम्पटन नटल कम टू द रूरल रिट्रीट। फ्रैम्पटन नटल जो है वो गांव में आते हैं अपना इलाज करवाने क्यों आते हैं? थोड़ा सा सोचिए, इस स्टोरी का सबसे पहला पेज, यदि हम इसके फ्रंट पेज पे जाते हैं इस लेसन के, एक बार मैं आपको दिखाती हूँ जहां से ये लेसन हमारा शुरू होता है, वहां पे बहुत क्लियर लिखा है। वापस आते हैं हम फ्रंट उसी पेज पे, यस। देखिए सबसे ऊपर लाइन लिखी है, फ्रैम्पटन नटल हैज बैड नर्व्स, राइट, एंड ही रिटायर्स टू द कंट्री फॉर क्योर। तो इसका आंसर क्या होगा? अब हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं और वापिस उसी स्लाइड पे चलते हैं। व्हाई हैड फ्रैम्पटन नटल कम टू द रूरल रिट्रीट, और इसका आंसर आप अपनी लैंग्वेज में जैसे समझ आता है उस हिसाब से लिख सकते हैं। फ्रैम्पटन नटल वाज सफरिंग फ्रॉम नर्वस डिसऑर्डर एंड सो ही डिसाइडेड टू स्पेंड अ फ्यू डेज इन सम विलेज और इन अ रिलैक्स और इन अ पीस। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई हैड हिज सिस्टर गिवन हिम लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू द पीपल लिविंग देयर। फ्रैम्पटन नटल की सिस्टर जो है उसे लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन देती है, कुछ व्यक्तियों के नाम लिखकर देती है जो वहां पर रह रहे थे, क्यों? ये भी हमने फर्स्ट जो हमारा इसका पेज था ओपन विंडो का उसमें हमने देखा था। हर सिस्टर हिज सिस्टर न्यू दैट फ्रैम्पटन वुड मीट वेरी फ्यू पीपल इन द कंट्री साइड, क्योंकि वहां पे वो किसी को जानता ही नहीं था। ही वुड फील लोनली एंड बोर, सो हिज सिस्टर गेव हिम लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू द पीपल सो दैट ही कैन फील रिलैक्स। नेक्स्ट है, व्हाट हैड हैपेंड इन द सेपल्टन्स फैमिली एज नरेटेड बाय द नीस। नीस वो लड़की जो है वो मिसेस सेपल्टन की फैमिली के बारे में क्या बताती है, क्या हुआ था उनके साथ। द नीस प्लेड अ प्रैक्टिकल जोक, वो भी जोक कर रही है, ये कहानी अभी वो सस्पेंस बना रही है। क्या कहती है? द नीस प्लेड अ प्रैक्टिकल जोक ऑन सेपल्टन्स व्हेन शी केम टू नो दैट ही वाज अ टोटल स्ट्रेंजर। शी सेड दैट हर aunt's husband, two brothers and a dog had undergone for hunting through the window 3 years ago. They never returned, but aunt was still hoping to see come back through the open window. ये आंटी को उम्मीद है कि उनके हस्बैंड और भाई जो है एक दिन लौट कर वापिस आएंगे। ये प्रश्न जो है अभी कॉम्प्रिहेंशन के जो आज हमने पढ़ा उससे रिलेटेड थे, और भी बहुत सारे प्रश्न आप बना सकते हो, उनके आंसर भी आप ढूंढ सकते हो। आई होप ये कहानी आपको अभी तक समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम स्टडी करेंगे। टिल देन गुड बाय।